हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन का प्रेस करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी देख लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी एंड हेल्दी मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी, जिसके लिए हमने यहाँ लिया है एक मीडियम साइज का आम, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप देख पा रहे हो इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। तो अब मैंने जब आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है दूध। यहाँ मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने डीप फ्रिज में रख कर हार्ड कर लिया है। आप देख पा रहे हो इसी तरह से मैंने हार्ड कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा तोड़ दूँगी जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर तोड़ दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने तोड़ के इसे एक प्लेट में डाल लिया है। यहाँ मिल्क क्यूब्स बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ हम मिल्क क्यूब्स इसलिए रेडी करके रखते हैं क्योंकि अलग से हम अगर बर्फ़ डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालना पड़ जाएगा और इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो मिल्क शेक की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर मिल्क क्यूब्स बनाकर इसमें हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें आप नॉर्मली आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी उससे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक जूसर जार में मैंगो पीसेस डाल दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इसमें 1/4 कप चीनी या शुगर डाल रही हूँ। चीनी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हो। इसमें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट और उसके बाद आम का मीठापन को देखते हुए चीनी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इस पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। तो चलिए फटाफट से हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ब्लेंड कर ले रहे हैं। तो हमारा मैंगो और शुगर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो देख पा रहे हो आप, देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल परफेक्टली हुआ है यहाँ पर ब्लेंड। देखिए बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सा पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने मिल्क क्यूब्स रेडी करके रखा था उसे हम पूरा डाल देंगे। उसके बाद फिर से हम ढक्कन लगा के इसे हम फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर ब्लेंड हो जा रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लेंड अच्छे से हो गया है। तो अब हम ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लेंड अच्छे से हुआ या नहीं। तो देखिए परफेक्टली हमारा ब्लेंड हो गया है। तो ये जो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा पतला भी कंसिस्टेंसी आप कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, थोड़ा पतला कंसिस्टेंसी आप चाहोगे तो आप इसमें दूध मिक्स कर लो, अगर नहीं तो आप ऐसे ही आप इसे सर्व कर सकते हो। तो देखिए मुझे थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी पसंद है, इसीलिए मैंने ऐसे ही सर्व किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्व कर दे रही हूँ। तो उसके ऊपर मैंने एक आइस क्यूब डाला है, उसके बाद थोड़े से मैंगो पीसेस और थोड़े से काजू पीसेस से इसे मैंने गार्निश किया है। तो देखिए मैंने यहाँ मैंगो पीसेस डाल दिया है, यहाँ पर मैं फिर काजू पीसेस भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक चेरी से इसे मैं गार्निश कर दूँगी। तो देखिए मैंने एक चेरी रख दिया है। तो बस हमारी जो मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसे इंजॉय कीजिए समर्स में। और अगर आज की रेसिपी आप ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।